वेलकम गाइस टू टुडेज ब्लॉग। देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या किया है। सो सी यू ऑन द पार्ट द लेटर पार्ट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बज रहे होंगे। अभी सुबह के 7 बज रहे होंगे। तो मुझे सुबह सुबह ऑनलाइन क्लास करना पड़ता है। मम्मी यहाँ पे मेडिटेशन कर रही है और मैं सोच लिया थोड़ा ब्लॉगिंग कर लूँ। कभी नहीं दिखाया हूँ कि सुबह कैसा लगता है। तो सुबह कुछ ऐसा लगता है गाइस, ये देखिए एकदम अंधकार और एकदम सुहाना। ये देखिए खुल गया अंडा। सन्नाटा है, सच्ची है बहुत ही सन्नाटा है और बहुत ठंड भी है। तो सुबह सुबह उठ के हीटर बंद हो जाता है तो मुझे जैकेट पहनना पड़ता है जो मैंने ऑलरेडी से लिया है। और अभी एक ब्रेक होने वाला है 8 बजे। फिर ब्रेकफास्ट करूँगा और पापा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो अभी पापा गुड मॉर्निंग गाइस। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आपने धूप अपने पास है। पर ये देखिए ये लड़का जो आज नहीं तो कल कैम्ब्रिज का बोर्ड देगा, टीवी देख के टाइम वेस्ट कर रहा है और इसका बुक वहाँ पे डिसइंफेक्ट हो रहा है अमेजोन से आने के बाद और ये टाइम वेस्ट कर रहा है। और अगर कोई विंडो से लेके गया तो बुक गया, 300 यूरो का बुक चला जाएगा पानी में। बट डिसइंफेक्ट होना ज़रूरी है। इन बिटवीन कोरोना सिचुएशन आज ही आया है अमेजोन में। 300 यूरो के बदले 1500 यूरो चला जाएगा ट्रीटमेंट पे। देखिए ये बंदा कैसे धूप नहीं लेके कैसे टाइम वेस्ट कर रहा है। देखिए देखिए। और अभी हम लोग दिखाते हैं आज खाने में क्या बना है। आज खाने में एक स्पेशल आइटम बना है जिसका नाम है कासुंदी चिकन। कासुंदी चिकेन टा खेते खूब भालो हयेछिलो तो ताई लिंकटा डिस्क्रिप्शन बक्से दिए दिलाम तो आपनारा चाइले देखते पारेन। तो मस्त खाना खाते हैं। दोपहर का मेरा ब्रेक हुआ है इंडक्शन का, इसके बाद दोबारा लॉन्ग कॉल 6 बजे। आमी खाली चिकन दिए खाबो। चले टाटा। घर के ठीक सामने सेंट स्टीफन चर्च है। मेरा मीटिंग चल रहा था तो ये लोग थोड़ा एक गार्डन पे चले गए। सो दिस एरिया इज वेरी नाइस एक्चुअली टू सी द चर्च। हम लोग इस पार्क में आए थे बट टाइम की कमी की वजह से ब्लॉग नहीं कर पाए। थोड़ा जॉगिंग कर लिया, बहुत लेट हो गए हैं। वो यूरोपियन का लोकल पानी पिए डिले हो गए हैं। सो मेरा मीटिंग है 1 o'clock। दैट्स व्हाई दिस गाइस। तो हम एक नया पार्क में आए थे जो पापा ब्लॉग करना भूल गए क्योंकि पापा का ऑफिस का कुछ काम है। तो इटा कौन चर्च सेंट मरिया जोसेफ मरिया जो कि जोसेफ यहाँ पे सारे पार्क का कुछ नाम होता ही होता है।
चलो बहुत लेट हो गया, जल्दी जाना है। थोड़ा सा व्यू देख लीजिए, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पे कैरेट वगैरह का ट्रेनिंग होता है। ये पुलिस का गाड़ी है जो गया अभी, ग्रीन कलर का। ये है चर्च, काफ़ी पुराना चर्च है। एग्जैक्ट हिस्ट्री तो मालूम नहीं है मुझे, बट इफ यू सी फ्रॉम आउटसाइड देख ली बोझा जाएगा जी, অনেক পুরোনো চার্চ এটা। মোস্টলি এটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর টাইম থেকে আছে, রিকনস্ট্রাক্ট করা হয়েছিল ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময়, এটার একটু ক্ষতি হয়েছিল, তো পরে এটা ফন্ড রেস করে রিকনস্ট্রাক্ট হয়েছে। আমরা রাইট সাইডে যাবো আরো 500 মিটার, তাহলে আমাদের বাড়ি। চলিয়ে বাই। हेलो गाइस, वेलकम गाइस टू आवर चैनल। हम लोग आ गए हैं घर के सामने वाला एक छोटा वाला पार्क पे। और जो ये पापा ओन कर रहे हैं क्योंकि कोई भी नहीं है, ये पापा की प्राइवेट कार है, यहाँ से पापा ले सकते हैं। तो एक छोटा सा पार्क है यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे कोई भी नहीं आता क्योंकि अभी बच्चों का अभी इटली में स्कूल शुरू हो गया है, तो अभी बच्चे नहीं आते, नॉर्मली 3 बजे के बाद आते हैं, तब छुट्टी हो जाता है। तो हम लोग इस पे जॉगिंग करने आते हैं, छोटा सा प्लेस है। और ये ऋषि कर रहा है जॉगिंग स्टार्ट, इसके बाद मैं करूँगा। हमारे पास वन आवर का ब्रेक है मेरा लंच, उस टाइम में थोड़ा जॉगिंग कर लेता हूँ, बाकी यूज़ हो जाता है दूसरा काम में। चले गाइस, मिलते हैं। क्यों लो আচ্ছা, তো কি হয়েছে, তুই দেরি করিস না, যেতে হবে এখনই, তুই দৌড়ানো চালু কর। ইউরোপ কা হরেক পার্ক মে আপকো এসা নল দিখ জায়েগা, আর এইরকম ট্যাপ দেখতে পাবেন, খুবই পুরনো এবং খুব ফ্রেশ জল মোটামুটি পাওয়া যায়। তো দেখা যাক, এই জল খেয়েই ঋষি এরম পাগলের মতো হাসে। গাইস, তো আজ হাম খরিদে ইয়ে নয়া ওয়ালা কিয়া ট্রলি, যাহা সে নর্মাল ইউরোপিয়ান সবজি লাতে হ্যাঁ, আর ইয়ে বস বহুত হি কম লাগা, হ্যাঁ মানে হাত ধোয়া হ্যায়, আর ইয়ে পাপা অভি প্রবেশ করনে ওয়ালে হ্যায়, প্রবেশ হ্যাঁ, শুদ্ধ ভাষা সে হাম আপনা নয়ে ট্রলি কো মুবারক করেঙ্গে। আর মাম্মা टारगेट लिया कि पूरा अल्कोहल का बॉटल खत्म करना है इसके ऊपर। अल्कोहल का बॉटल खत्म करना है, ये तो मतलब बड़ा एक्सप्लेन कर। हाँ देखिए, ये ना स्प्रे करे। हाँ नहीं, खा के नहीं, स्प्रे करके। देखिए मम्मा को, नहीं मम्मा को देखने, हमारे सैनिटाइजर पाओ जाना। हाँ यहाँ पे सैनिटाइजर नहीं मिलता, तो हमें अल्कोहल ही रॉ अल्कोहल लेना पड़ता है। ओ देखिए, अरे मैं हाथ धो लूंगा वापस। देखो यहाँ पे कितना सामान आ सकता है, तो नॉर्मली हम बैग्स में पहले कैरी करते थे, अब हम चक्के वाले ट्रॉली पे कैरी करेंगे। और ये बहुत आसान होगा क्योंकि इनके हाथ ही नहीं है, इनके एल्मो में दर्द है, तो अभी ये ट्रॉली लेकर आएगी और अब हमें नहीं जाना पड़ेगा इनके साथ सब्जी खरीदने में। तो थैंक गुडनेस, तो यही आज का ब्लॉग का था। थैंक यू गाइज, मीट यू गाइज। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग।